मैं हेल्प करूं? हाउ स्वीट, इन फैक्ट दुनिया के सबसे स्वीटेस्ट हस्बैंड तुम हो जो मेरी हेल्प करना चाहते हो। तुम्हें पता सबसे बड़ी हेल्प क्या होती? अगर तुम कमरा गंदा ही नहीं करते। हाँ मैं हेल्प कर तो रहा हूँ, बाकी हस्बैंड तो वो भी नहीं करते। दो। सॉरी। ठीक है आंटी, कुल आंटी आंटी कुल आंटी। वो क्या होता है? जब मैं छोटी थी ना तो अपनी माली की बेटी के साथ खेला करती थी, तो उसी ने मुझे ये सिखाया कि जब भी सिर की टक्कर होती है ना तो ऐसा किया करते हैं, वरना पता है सिर पे सींग निकल आते हैं। तुम इन बातों पे यकीन करती हो? हाँ। कभी देखा तुमने किसी के सींग निकलते हो? देखना भी नहीं चाहती हूँ। वैसी तुम्हारी शक्ल ना बहुत डरावनी लगती है। अब चलो करो। ये क्या कर रही थी? वो कुछ नहीं, एक बस बेवकूफी का टोटका है। हमारे दिल्ली में बहुत मानते हैं। तुम भी कर रहे हो? इसका मतलब है कि तुम भी इस बारे में जानते हो और इसमें विश्वास भी रखते हो, है ना? नहीं, मैं नहीं, कोई और किया करता था। कौन? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। आदित्य, आदित्य मानती थी तुम आदित्य के नाम से इतना परेशान क्यों हो जाते हो? ऐसी क्या वजह है जो तुम उसका ख्याल भी अपने करीब नहीं लाना चाहते? तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती। आदित्य और मेरे बीच में जो भी था उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। Do you understand? ये कैसे? कुछ नहीं।
ये तो जले का निशान है, जरूर उस जलती हुई ओढ़नी को बुझाने में तुम्हें लग गई होगी। ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? ये जले का जख्म है, इसमें दवाई नहीं लगाओगे तो ये और पक जाएगा, इन्फेक्शन भी हो सकता है। मैं कर लूंगा। तो फिर अभी तक किया क्यों नहीं तुमने? अपने आप करके ही तो ये हाल बना लिया तुमने अपना। पता नहीं क्या करते रहते हो, दर्द नहीं होता है तुम्हें? मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कबीर, मैं कुछ कहूं तुमसे, मानोगे? सोफे पे बैठ जाओ, दवाई लगाइए ना, उसको सूखने में टाइम लगेगा, तब तक जूते मत पहनना। जो भी काम है मुझसे कह दो, मैं कर दूंगी। नहीं, मैं कर लूंगा। मैं सिर्फ थोड़ी देर बैठने के लिए कह रही हूँ। ईजा को जाके बताऊं, पूरा दिन तुमको यहां से हिलने नहीं देगी। इतने कम टाइम में मेरी फैमिली को बहुत अच्छी तरह समझने लग गई हो। फाइल स्टोर रूम में अंदर जाते ही दाहिने हाथ पे रैक के शेल्फ पे देर पहले मैं बहक जरूर गई थी, लेकिन मैं भूली नहीं हूं कि मैं धौलगंज किस मकसद से आई हूं। आपने बुलाया मुझे? हाँ परी, बैठिए। मैं जानती हूँ कि मैं पुराने ख्यालात की हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी बात जरूर मानेंगी। बोलिए। ये सब कहते हैं कि मैं कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जब गुरुमा कुछ बात कहती हैं तो उसका मतलब गहरा ही होता है। क्या कहा गुरुमा ने? वो आप रहने दीजिए, देखिए उसका उपाय है मेरे पास, आप जैसा मैं कहूंगी वैसा करते जाइए। ये दिया लीजिए।
माता रानी का नाम लेके दिया पानी में छोड़ दीजिए। एक बात याद रहे, दिया पानी में तैरना चाहिए। अगले 2 दिनों तक ये दिया ऐसे ही रहना चाहिए, चलता हुआ, तैरता हुआ, कोई भी इसे छुएगा नहीं, समझे सब लोग? लेकिन ईजा, आप ये सब किस लिए कर रही हैं? ये तो बताइए। मैंने कहा ना रानी बिटिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। परसों सुबह 8 बजे 48 घंटों बाद परी आप अपने हाथों से दिए का विसर्जन करेंगी। अचानक से ये कहां से आया? अरे इसमें तो एक पेपर भी है। तुम्हारा राज खुलने वाला है। आखिर इस घर में इतना चालाक, इतना इंटेलिजेंट कौन है जो मेरा राज पता लगा चुका है? अरे मामी। मैं अखबार पढ़ रही थी, तुमने देखा धौलगंज में वो चोरी हो गई? हे भगवान। अच्छा हाँ, लेकिन मामी ये अखबार सीधा तो कर लिया होता। हाँ हाँ तुमने ठीक कहा। वो अरे जिया, जिया पिया कहाँ हो तुम लड़कियां, कहाँ हो? ओफो, उसे शक हो गया है कि मुझे उस पर शक हो गया है कि जो उस पर शक कर रहा है वो शक करने वाला शक कि मैं ही हूँ। अरे वो शक कर रही है मुझ पर कि मैं उस पर शक कर रही हूँ। तुम कुछ समझ भी रहे हो कि नहीं? शक शक शक, एक्चुअली में इस शब्द के अलावा तुम्हारी शक की बड़ी बातें मुझे ढेला समझ में नहीं आया। अरे अदिति को शक हो गया है कि मुझे उसे खत मिल रहे है ना, वो धमकी भरे खत मैं भेज रही हूँ। धमकी? तुम मुझे धमकी क्यों दे रही हो? अरे मैंने एक जासूसी उपन्यास में पढ़ा था कि जब कोई अपराधी डर जाए ना तो वो डर के मारे गलतियां करने लगता है और वही गलतियां तो उसके खिलाफ सबूत बन जाती हैं। इसीलिए तो मैं उसे डरा धमका रही थी ताकि उसके अंदर का चोर जब बाहर आए ना मैं उसे दबोच लूं। इससे पहले कि तुम्हारे ये खेल तुम पर ही उल्टा पड़ जाए छोड़ दो इसे, समझी ना? कहीं पकड़ी गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक्चुअल में लगता है इस खेल का कोई और ही तरीका निकालना पड़ेगा। ये रास्ता तो ऑफिस का नहीं है, इसका मतलब कि कबीर कहीं और जा रहे हैं।
ये कबीर घर चला गया। डिनर तैयार है, चलिए। अरे दीदी, लेकिन अभी तक तो कबीर भी नहीं आया, तब तक तो खेलने दीजिए ना। लता, मेरी बात हुई है कबीर से, वो बस आते ही। कैसा रहा दिन आपका? बस हीजा, सारा दिन ऑफिस में। तुम्हारा ऑफिस जंगल में कब से शिफ्ट हो गया? जंगल में? इनके जूते तो देखिए। अब इतना कीचड़ तो किसी जंगल से ही आ सकता है, ऑफिस से थोड़ी ना। इजा, वो ऑफिस के लॉन में एक पानी की पाइप फूट गई, तो इसलिए आज सारा दिन ऑफिस में कीचड़ कीचड़ भरा हुआ था। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद सब एक साथ डिनर करेंगे। ठीक है। पड़ी थी, धूल खा रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे लेकर आई। सोचा कि कल सुबह इसको ठीक कराने लेके चली जाऊंगी। किसने कहा तुमसे ये सब करने को? नहीं, मुझसे किसी ने कहा नहीं, वो मुझे लगा तुम कि... अपने मन से चीजें मत छुआ करो, तुम्हारा घर नहीं है ये। मैं समझ सकती हूँ, इस पेंटिंग से तुम्हारी काफी यादें जुड़ी हैं, जुड़ी है ना? पर मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इसे वापस रखा। कल सुबह वापस रख देना।